चाहे दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, तमाम जगहों वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर पंजाब के मोहाली में भी बनी लेकिन हुई है। कम से कम एक तस्वीर बहुत अच्छी खूबसूरत है, यानी कि लोग इस बात को समझ रहे हैं ललित कि ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है, पेड़ काटे और उस वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई। और कम से कम आज यहाँ पर लोगों को पेड़ बांटे जा रहे, एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। ललित शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो खास मेहमान है परिचय उनसे करा देती हूँ। सुभाष शर्मा एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर सुशील द्विवेदी रिसर्चर और क्लाइमेट चेंज एंड साइंस कम्युनिकेशन हमारे साथ है, मनिंदर सिंह है सीईओ सीएफएफ ग्रुप एंड एक्सपर्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे साथ है, और प्रशांत चौबे प्रेसिडेंट है अवादा एनर्जी के। सबसे पहले मनिंदर जी आप ही के पास आते हुए, जो सिचुएशन इस वक्त नोएडा की है, क्या सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी? कहां पर खामियां, कहां पर कमियां हैं? नोएडा एक ऐसा इलाका है जिसको आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ। मैक्सिमम आबादी जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वो नोएडा में रहते हैं, और यही सोच के कि ये दिल्ली जैसा ये एनसीआर का इलाका है, नेशनल कैपिटल रीजन का इलाका है। देखिए, सबसे पहले तो जनवरी 2024 में ही ये डिक्लेयर हो गया था कि ये साल एल नीनो ईयर है, जिसका मतलब है कि इस साल जो गर्मी है वो बहुत भीषण पड़ने वाली है, पिछले 17 साल का रिकॉर्ड कम से कम टूटने वाला है, ये जनवरी में ही हमें पता चल गया था। बट क्योंकि हमारा देश इलेक्शन की परिस्थितियों से गुजर रहा था और सारा का सारा फोकस जो है वो इलेक्शन और चुनाव और उस सब पे था, तो आई थिंक पूरी तरीके से जो सरकार है वो विफल रही है इस चीज में कि इतने बड़े संकट को किस तरीके से हमने प्रिकॉशंस लेके उसका सामना करना है, इसके ऊपर ना कोई चर्चा हुई, ना इसके ऊपर कोई काम हुआ, ना हम टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि आपको एटलीस्ट इतना ही बताया जाए कि एसी 24 डिग्री पे चलाएं तो कम से कम 20-30% बिजली जो वो यूज करता है वो कम लेगा। यही आप आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी नोटिफिकेशंस, बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलते थे जिससे हम इन चीजों का मुकाबला करते थे, ठीक है। बट आज ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे अर्बन कंक्रीट जंगल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी है, वहां पे ये जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, मतलब पिछले 30 मिनट से जो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं और मेरी आंखों में लिटरली आंसू है कि लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं दिल्ली से सटी हुई जगह पे जो रह रहे हैं वो। नोएडा का इलाका है, तीन महीने हो गए हैं लोगों की सिचुएशन ऐसी, मैं लौटती हूँ। यानी आपका ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है, तैयारी कुछ नहीं की थी। प्रशांत चौबे जी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसी पहले से तैयारी की जाती है, अगर आप हमें समझा पाए। देखिए, ये सीवियर हीटवेव है जो इस बार हो रही है और ये तात्कालिक कारण है जो हम समझ रहे हैं इनके होने का, लेकिन लॉन्ग टर्म है जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, ये बहुत सीवियर है। और आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं दिल्ली में, आप देखेंगे 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, 7000 मेगावाट से ऊपर की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट पिछले 30 दिन से चल रही है। सो कोई भी किसी भी सिस्टम में इस रिक्वायरमेंट की वजह से बहुत इनॉर्मस लोड क्रिएट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसकी वजह से लोड शेयरिंग होगी और बाकी सारी समस्याएं निकलती हैं। तात्कालिक कारण है वो आपने बिल्कुल सही बताया जो थोड़ी देर पहले बोली कि दिल्ली में अर्बन हीट आईलैंड है, बिल्डिंग्स है, कंक्रीट है, जिसकी वजह से हीट रिटेंशन होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उन पे अभी समय आ गया है, जो जनमानस को सोचना पड़ेगा और जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और जो 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 हमारे बर्ताव है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं। सर, ये तो वो सारी बातें हुई जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट से भी करेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि अगर आप हमको समझा पाते। देखिए, मनिंदर जी ने क्लियरली कहा है कि तैयारियां जनवरी से शुरू हो जाती हैं, जनवरी से वो तैयारियां हुई नहीं। पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है, कितना सरप्लस हमारे पास होना चाहिए, कितना है नहीं है, जरूरत कितनी है, डिमांड कितनी है और क्या हम उतनी सप्लाई दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। और बिजली विभाग की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियली इस पर आया नहीं। सर, सोचिए, 3 महीने हो गए हैं लोगों के घर में ये सिचुएशन है। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, बिकॉज आती है दिल्ली में, देखें आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 7 से 7.5 हजार मेगावाट है, आपको पता है 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाना है और कंटिन्यूस आपका इंस्टॉल कैपेसिटी और पीक डिमांड बढ़ने वाली है, आपको पीपीएस वैसे करने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के पीपीए आपको बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना सब स्टेशन के लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे ट्रांसफार्मर है, उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज्यादा अपग्रेड करके रखना पड़ेगा। यदि वो सब नहीं होगा और
लगातार यदि ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको 50 डिग्री का टेम्परेचर है, कंटिन्यूस डिमांड है, तो आपके सिस्टम के ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग आपको करके रखनी पड़ेगी। और वो प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी लग रही है। प्रशांत जी, चर्चा जारी है हमारी, सुभाष जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक रिएक्शन सुभाष जी, एक रिएक्शन, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, छोटा सा रिएक्शन। कहां खामियां, कहां कमियां देख रहे हैं आप? वास्तव में जो प्लानिंग होनी चाहिए वो डिफेक्टिव है। उसमें जिन मुद्दों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जब हम बिजली का कनेक्शन देते हैं तो समझना चाहिए कि वो हमारी बिजली की डिमांड बढ़ेगी। हाँ। और हाई राइज बिल्डिंग्स इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत ज्यादा बनी हैं। एक सोसाइटी में सैकड़ों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, तो जब उनको आप बिजली कनेक्शन दे रहे हैं तो उनकी डिमांड के हिसाब से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और भारत सरकार ने आज के कुछ माह पहले कह दिया था कि हमारे यहाँ सरप्लस बिजली उत्पादन हो रहा है और चाहे इतनी डिमांड होगी लेकिन हमें कमी नहीं होगी। तो अब कमी क्यों हो रही है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और देखिए, जिनको कनेक्शन दिए गए, जहां पर नीतू झा और जहां पर मनीष मौजूद है, वो लोग बिजली का बिल साथ ही साथ दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं लेकिन बिजली मिल नहीं रही। चर्चा को जारी रखेंगे, तमाम खास मेहमान जुड़े रहिए हमारे साथ, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात, और चर्चा आज हम पावर कट को लेकर कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार नीतू झा मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीतू, जरा जानिए लोगों से कि सिचुएशन क्या है, जब उन्होंने अपनी शिकायतें की तो किस तरह का आश्वासन इनको मिल रहा है वहां? बिल्कुल अफजोत, यही मेरा सवाल भी था, शिकायतें की हैं आप लोगों ने, क्या कहते हैं? शिकायत करिए, वो यूँ करें, लोड ज्यादा है तो इसलिए लाइट कट जाती है, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जितनी लाइट हमें मिल रही है हम उतनी लाइट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में एक बार भी नहीं दे रहे, इतनी लाइट तो मिल रही है। हम कह रहे हैं 24 घंटे में 4 घंटे लाइट नहीं आ रही है। अगर सुबह सुबह परसों तो हमारा बच्चा बिना ड्यूटी के लिए शाम तक बैठा रहा नहाने के लिए, लैट्रिन तक के पानी के लिए। कभी इससे पहले ऐसी दिक्कत हुई है? कभी दिक्कत नहीं हुई है, जो अब के दिक्कत हुई है ऐसी दिक्कत कभी नहीं हुई है। हम लोग 14 साल से रह रहे हैं, या तो हम शुरू में जब रहने आए थे तब दिक्कत थी क्योंकि कच्ची कॉलोनी थी, जब लाइट नहीं थी, लेकिन उसके बाद 15 साल में अब ये दोबारा से ऐसा हुआ है कि जो हमें लाइट। और नहीं तो ये वो इलाका है जहाँ पर लोग बिल भरते हैं, जहाँ जहाँ बिजली के मीटर लगे हैं और जहाँ पर बिल भरे जाते हैं। बिल भर रहे हैं, बिल्कुल नवजोत, मीटर तो आप सामने देखिए, यहाँ देखिए मीटर लगा हुआ है, प्रॉपर मीटर है, प्रॉपर बिल आती है। कितनी बार कंप्लेन की? कंप्लेन तो मैं कम से कम 200 बार कर चुके हैं। 200 बार? ठीक है नवजोत, कल भी मैं आई थी तो मैंने फोन पर कंप्लेन देखी थी, आज भी इनके हाथ में और कंप्लेन है, कल से फिर 24 घंटे से लाइट नहीं आई। जरा एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, वो भी आज हम फिर दिखाते हैं। आप ये देखिए नवजोत, और हर कंप्लेन का एक रिप्लाई भी आ जाता है। ठीक है, कि आपकी कंप्लेन जो है वो इसका सीधा मतलब नहीं तो ये है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बिजली का मीटर, सुभाष जी बिजली का मीटर लगा है, वहां पर लोग बिल भर रहे हैं, अगर लोग शिकायत करते हैं, शिकायत के एवज में जवाब आता है लेकिन समाधान नहीं मिल पाता है, तो लैक ऑफ प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का यह दायित्व है कि हमारे यहाँ जितने कनेक्शन है उसके हिसाब से हम बिजली उपलब्ध कराएं, अगर उनके यहाँ नहीं है तो उधार लें, दूसरे नेशनल पावर ग्रिड से लें, तो ये व्यवस्था उन्होंने नहीं की। तीसरी बात यह है कि जो नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसने पहले के हिसाब से अपना रेट भी काफी बढ़ाया है, और उसके बावजूद लोग जब मीटर लगवाए हैं और अपना बिल रेगुलर भर रहे हैं तो बिजली ना देने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए प्लानिंग के स्तर पर, डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पर और मैनेजमेंट के स्तर पर एक खामियां हैं। हर स्तर पर। मनिंदर जी देखिए, गर्मी तो हर साल आती है लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि ये हाल नोएडा का हो जाएगा। अगर मैं एक आंकड़ा यहाँ पर देखूं 2022 की अगर बात करें, ये मैं दिल्ली का आंकड़ा यहाँ पर कोट इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ नोएडा है। 2022 में 7,438 मेगावाट की डिमांड थी और यही 2024 में 8,647 मेगावाट की डिमांड है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली अगर हम नोएडा और दिल्ली दोनों को कंपेयर करते हैं तो उतनी बुरी हालत नहीं है दिल्ली में जितनी नोएडा में है। मैम, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा बड़े शहरों में आके बस रहे हैं, पावर शॉर्टेज नहीं है। देखिए, दो चीजें अलग अलग, वी आर नॉट अंडर पावर शॉर्टेज, वी आर अंडर मिसमैनेजमेंट। तो
जैसे कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया। एक घर में अगर 4 एसी चल रहे हैं तो एज अ प्रिकॉशन क्या किसी ने लोगों को ये चीज समझाई कि आप कोशिश कीजिए कि उसको 4 एसी की जगह 3 एसी में निपटाएं? ठीक है, क्योंकि जो हमारी मशीनरी लगी हुई है सर्कुलेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो सब बहुत पुरानी है और उसको अभी चेंज होने में, उसको जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो सब होने में अभी और 10 साल चाहिए लगेंगे। तो तब तक हमें बहुत सारा प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन के नाम पे हम 10% भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जो हम काम एक्चुअल में कर रहे हैं वो हमें जो नहीं करने चाहिए वो सारे काम हो रहे हैं। लोड शेयरिंग इज नॉट हैपनिंग। जो अच्छी सोसाइटीज हैं उनको पावर डाइवर्ट की जा रही है उनकी रिक्वायरमेंट मीट आउट करने के लिए। जितने लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड पे हैं उनको बिजली नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिजली की शॉर्टेज है। आज दिल्ली चाहे तो सर मैं एक चीज आपको यहाँ पर एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी कि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी मैंने शुरुआत में बात की थी, मनीष अगर हमारे साथ जुड़े तो एक जवाब वहां से भी लेंगे और नीतू आपसे भी ये जवाब जानूंगी क्योंकि आप गौर सिटी के ठीक सामने, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भेदभाव होता है? आपने जो ये लाइन बोली कि कहीं और दी जाती है और बगल के इलाके से वो बिजली काट ली जाती है, क्या आपका ये कहना है? क्योंकि मिसमैनेजमेंट एक इशू है, ठीक है, क्या भेदभाव हो रहा है? डेफिनेटली, और ये आज से नहीं हो रहा, ये सालों से हो रहा है। जब कोविड का पीरियड था तब भी जो डिप्राइव सोसाइटीज थी, डिप्राइव क्वालिटी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी। उसी तरीके से आज जैसे ही थोड़ा सा हम स्ट्रेस में आते हैं बिजली को लेके, तो जितने भी पॉश एरियाज हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक एरियाज हैं, वहां पे कभी ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी आपको। अगर वहां प्रॉब्लम दिखाई देगी तो तुरंत सोल्यूशन हो जाएगा। सर स्पेसिफिक नोएडा की अगर बात करें, जहां पर पॉश एरिया, जहां पर इस तरह की डिप्लोमेटिक एरियाज नहीं है, दिल्ली की बात ना करें, स्पेसिफिकली नोएडा की अगर हम बात करें, तो नोएडा की भी अगर हम बात करें तो जहां पे लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड जो सारे लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है, 90%, 95%। अदरवाइज इफ यू गो टू जो पोस्ट सोसाइटीज हैं वहां सब कुछ सामान्य चल रहा है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक एक घर में 5-5, 8-8, 10-10 एसी चल रहे हैं। नहीं सर, उसमें तो बड़ा कारण ये भी है ना कि उन्होंने वहां पर डीजी सिस्टम भी बहुत ज्यादा कारगर है, वहां पर आधी ज्यादा लोग तो डीजी सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। देखिए मैम, और उसमें भी वो डबल देने को तैयार होते हैं। डीजी सिस्टम आप दिन में 4 घंटे चला लेंगे, 8 घंटे चला लेंगे, ठीक है। इट्स नॉट कि जो सिचुएशन है कि पूरे दिन में 4 घंटे बिजली नहीं आ रही, 3 महीने से किसी की लाइन नहीं ठीक की जा रही, ठीक है, बिल्कुल। इस डेफिनेटली मींस कि जो हमारा मैन पावर है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करने में लगा हुआ है और नीचे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आज एक बार 19 तारीख पे बैठे हैं, अगर 25 तारीख को आप बात करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम 3 गुना हो चुकी होगी। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनिंदर जी, प्रशांत जी, क्या सर मैं लौटती हूँ आपके पास प्रशांत जी क्या मनिंदर जी की बात से अग्री करते हैं? क्योंकि इसमें एक लाइन मैं और जोड़ दूं कि हमारे ही रिपोर्टर्स ने हाई राइज बिल्डिंग में जाकर भी रियलिटी चेक किया है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि यहां पर तो लिफ्ट तक नहीं चल रही है। अगर हम कहते हैं कि कोई भेदभाव हो रहा है, अगर इस तरह की कुछ आपको सिचुएशन नजर आती है, तो हाई राइज वाले अपनी परेशानियों को लेकर आगे आ गए हैं कि यहां पर तो लिफ्ट ही नहीं चल रही, 8वें 9वें माले तक हम जाएंगे कैसे? भेदभाव वाले पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा मनिंदर जी का, बट मैं आपसे फिर से बोलना चाहूंगा कि एनर्जी एनवायरमेंट और डेवलपमेंट, इन तीनों का बहुत इंटर रिलेटेड होता है। जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आप चाहे दिल्ली को देखें चाहे नोएडा को देखें, कंटिन्यूअस अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, 2-3% पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूअस है, माइग्रेशन बाहर से लोगों का बहुत ज्यादा है। 40-50 डिग्री का टेम्परेचर चलेगा तो आपका एसी कूलिंग सिस्टम सब पे प्रेशर पड़ना है आपका। और आज आप देखेंगे तो 30-50% के बीच में जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी में, दैट कम्स फ्रॉम एयर कंडीशनिंग और कूलिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उसकी वजह से ये सिस्टम पे प्रॉब्लम होती है। प्लानिंग का इश्यू थोड़ा सा रहता है और इस सब प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यदि आपको पीक में एनर्जी चाहिए, आप एक्सचेंज में जाएंगे, एक्सचेंज में पावर का रेट बहुत ज्यादा है आपको खरीदने के लिए, बिकॉज ये समस्या पूरे उत्तर भारत में एक साथ चल रही है दिल्ली के साथ। तो इस कमेंट में मैं नहीं जाऊंगा कि भेदभाव है या नहीं है, बट ये एक प्लानिंग को लेके, लोगों के बर्ताव को लेके माइंडफुल और डेलिबरेट जो यूज होना चाहिए। अभी सब जगह है, हर कोई 18 डिग्री 16 डिग्री पे एसी चला रहा है, घर में 24-25 डिग्री पे एसी चलाएं, एलईडी लाइट को यूज करें, घर में सारी लाइट को स्विच ऑफ करके रखें, तो वो सब जो
एक एक सोच और सोच में परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, लेकिन मनिंदर जी की एक और बात बहुत सही है ना कि अवेयरनेस के लिए अभी तो कुछ नहीं किया गया ना। पहली बात तो आपने जनवरी से प्लानिंग नहीं की, जो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, और दूसरी बात कम से कम लोगों को अवेयर किया जाए, और तीसरी एक और बात स्वाभाविक सी है क्योंकि जिस तरीके से पारा 40 से नीचे आ ही नहीं रहा है, ऐसे में एक इंसान के पास अगर एक सहूलियत है एसी के तौर पर तो वो तो उसको 16 पे चलाएगा ही। मैं लौटूंगी खास मेहमानों के पास, एक बार जरा मनीष के पास जाना चाहेंगे। मनीष, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, मनीष हमारे साथ नहीं है लेकिन नीतू जहां हमारे साथ मौजूद है, नीतू जरा जानिए लोगों से, क्योंकि 3 महीने हो गए उनके पास बिजली नहीं है, बिजली आ नहीं रही है, कंप्लेन जब होती है तो क्या आश्वासन इनको मिलता है? तबीयत खराब होने की वजह से 3 महीने हो गए बिजली नहीं आ रही है, कंप्लेन तो आप लोगों ने खूब की होगी, क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं कि आ जाएगी, कब आएगी? लोड ज्यादा है इसलिए लाइट कटती रहेगी। लोड ज्यादा है तो लाइट कटती है? हाँ, लोड ज्यादा तो लाइट कटती रहेगी। बात ऐसी है, सारी दुनिया की पब्लिक यहीं पे है इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोड ज्यादा है, और तो कहीं पब्लिक रह नहीं रही। लेकिन इससे पिछले साल भी तो लोग इतने ही थे। पिछले साल भी यही जो सिचुएशन अभी है इससे बुरी थी पिछले साल, और अभी उससे भी ज्यादा बुरी हो गई है क्योंकि पब्लिक तो यहाँ पे डे बाय डे बढ़ी रही है। नीतू, कोई लोग खोड़ा से अपना मकान बेच के आ रहे हैं, खोड़ा में भी पानी की दिक्कत चल रही है इतनी, वहाँ से लोग दिल्ली से। नीतू एक चीज बताइए, क्योंकि आप सुबह से इस पूरे इलाके को देख रहे हैं, जरा एक चीज बताइए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि इलाके से एक इलाका या दूसरा इलाका डिफर करता है, क्या ऐसा आपने महसूस किया या आपने देखा कि ये वही इलाका है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, जिसको हम कहें कि यहां से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड इलाका हम कह सकते हैं, और एक ये इलाका है, क्या दोनों जगह पर, क्योंकि एरिया तो बिल्कुल सेम है, क्या दोनों जगह पर कोई भेदभाव आपने देखा बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? लेकिन अब जो भेदभाव तो शायद कहना गलत होगा, क्योंकि परेशानी दोनों ही जगह लोगों को बराबर हो रही है, अगर बिजली यहाँ नहीं हो या वहाँ नहीं हो। नहीं, हम जब घंटों की बात करते हैं, यहाँ 3 महीने से लोगों को प्रॉब्लम है, 24 घंटे में लोगों के पास 2 से 3 घंटे बिजली आ रही है। अब इसी को अगर हम कंपेयर करें बगल की हाई राइज सोसाइटीज के साथ तो बिल्कुल लगभग, तो वहां पर शायद अगर परेशानी इतनी बड़ी होती तो वो ज्यादा मुखर तौर पर निकलकर भी आती, अधिकारियों तक भी पहुंच जाती, लेकिन यहाँ पर जरा सोचिए, इस भीषण गर्मी में हमने पारा भी आपको दिखाया 41-42, और 3 महीने से बिजली नहीं। अभी यहाँ पर माता जी मेरे सामने लाइव देते वक्त बेहोश हो गई थी, इतनी गर्मी है। इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने पानी वगैरह डालकर अभी ये फिर स्थिर स्थिति में है, बैठी हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से बेहोश हो गई थी, इतनी गर्मी। हम बाहर खड़े हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में 3 महीने से रोज सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए बिजली आना, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आवाज शायद ऊपर तक जा नहीं पा रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ नीतू आपके पास। एक बार जरा सुभाष जी, इतनी ज्यादा गर्मी इस बार क्यों है? क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें कि पिछले सालों तक ये होता था कि चलिए रातें ठंडी हैं, दिन में थोड़ी चीजें कवर अप हो जाती थी, और इसका असर हर जगह पर आता था। अब देखिए, दिल्ली पानी से जूझ रही है। अभी एक शख्स जो नीतू के साथ थे, उन्होंने ये कहा कि खोड़ा में क्योंकि पानी नहीं है, लोग घर बेच के यहां पर आ रहे हैं, यहां आते हैं तो उनको बिजली नहीं मिल पाती। पारा अगर देखा जाए तो 44-45 से नीचे आया ही नहीं है, पिछले 1.5 महीने से यही सिचुएशन है, रातें भी उतनी गर्म है, दिन भी उतने गर्म है। जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है ये सब। हम लोगों ने इतना ज्यादा प्रदूषण पैदा किया, इतना कार्बन इमिशन किया है कि वो पर्यावरण पर असर डाल रहा है, और दिन गर्म हो रहा है, रातें गर्म हो रही हैं। कुछ तो पश्चिमी देशों का भी इसमें योगदान है, चूंकि वहां पर जो ऊर्जा की खपत है वो प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा है, जितना हम लोग करते हैं उसका करीब 10 गुना वहां ज्यादा करते हैं, तो उसका असर पूरे पर्यावरण पड़ता है। दूसरी बात कि हम लोग भी यहां पर पेड़ों की कटाई करते हैं, जल का संरक्षण नहीं करते हैं। अभी आप देखिए तो उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, यहां पर जो भूमिगत जल है वो बहुत कम है, और 99% उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली में जितना भी भूमिगत जल है उसका 99% कर रहे हैं, जितना रिचार्ज होता है, तो एकदम अपेक्स पर हैं।
अब उसके बाद तो इसका मतलब तो सर फिर हमें आदत डाल लेनी चाहिए, यानी आने वाले सालों में तो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। बरसात होती है, बरसात में जो पानी आता है उसका हम लोग संरक्षण करते नहीं है। इसराइल में 80% बरसात के पानी का संरक्षण होता है और हमारे भारत में 20% से कम होता है। तो जरूरत है कि हम जल का संरक्षण करें और भूमिगत जल का कम से कम उपयोग करें और जो फालतू में वेस्ट करते हैं जल को उसको नहीं करें। और जो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें चाहिए कि हम पुनःचक्रित रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल अधिक करें, रीयूज करें। ठीक है सर, क्या फिर आने वाले सालों में, क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से हर साल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्या सुधार की गुंजाइश बचती है अब? ये तो हर व्यक्ति को इसमें सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोग सब मिलकर करके जल का संरक्षण नहीं करेंगे, वृक्षों को लगाएंगे नहीं, कटाई पर रोक नहीं करेंगे, विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों काट देते हैं, सैकड़ों हजारों पेड़ काट दिए गए जो नेशनल हाईवे के नाम पर, कि यहां से देहरादून जल्दी से हम पहुंचें, यहां से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचें, और पेड़ काटते हैं धड़ल्ले से और ये नहीं समझते हैं कि जब पेड़ काट रहे हैं तो गर्मी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमको देखना होगा कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने लक्ष्य रखा 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे, लेकिन विकसित भारत में हर तबके के लोगों को कम से कम बुनियादी सुविधाएं मयसर होनी चाहिए। आज अगर हम सर ये कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं और ये कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ हम पेड़ भी काटते जा रहे हैं जिसका खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। मनिंदर जी, क्या गुंजाइश या फिर क्या सुधार की गुंजाइश अब बाकी बची है, कैसे सुधारा जा सकता है इसको? देखिए मैम, हम लोग जो आज आपके साथ पैनल पे बैठ के सबके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट लीड विद एग्जाम्पल। मैं आपको 5 चीजें बताता हूं जो हमने करी है, जो हम फॉलो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। नंबर 1, हमारा जो ऑफिस है ये 44,000 स्क्वायर फीट है ये बिल्डिंग। हमने अपना ऑफिस 44,000 स्क्वायर फीट से समेट के 18,000 स्क्वायर फीट में कर दिया, लोगों को पास पास बिठा दिया ताकि आधी एनर्जी लगे। नंबर 1। नंबर 2, जितने हमारी बिल्डिंग में एसी लगे हुए हैं उन सबके ऊपर हमने एस्बेस्टोस शीट के कवर लगवाए ताकि उन एसी को डायरेक्ट सनलाइट पे एक्सपोजर ना मिले और वो ज्यादा लोड बिजली का ना ले, जिससे बिजली कम से कम लगे। नंबर 3, हमने सारे अपने एम्प्लॉयज से प्लांटर्स लगवाए ऑफिस के कैंपस में, उनके घरों में सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किए। नंबर 4, हमने सारे लोगों को हाइड्रेशन के लिए, हमारे स्पेशली जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं सबको बॉटल्स देके उसके साथ उसको ओआरएस के छोटे छोटे पैकेट्स दिए उनके बैग्स में, ताकि कहीं भी डिहाइड्रेशन हो तो आप इसको तुरंत पी सकते हैं क्योंकि आप गर्मी में ज्यादा एक्सपोज होते हैं जी। नंबर 5, हमने कार पूलिंग कंपल्सरी की कि कोई भी आदमी ऑफिस में जो कार पे आ रहे हैं वो अकेला नहीं आएगा, अदरवाइज पेनल्टी लगेगी सैलरी में। ऑलराइट, तो ये 5 काम करने से एटलीस्ट हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने अगर 1 मेगावाट भी पूरे साल का बचाया होगा तो एटलीस्ट अपनी तरफ से तो कम से कम हमने शुरुआत की। एक लास्ट कमेंट, सुधार की गुंजाइश की अगर हम बात करें, प्रशांत जी 30 सेकंड में। सी 5 चीजें हमें करनी पड़ेंगी, जो लाइफ स्टाइल है, एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा। एनर्जी एफिशिएंसी के जितने तरीके, ऊर्जा संरक्षण के, उस पर हमें ध्यान देकर बढ़ना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, पीक एनर्जी को बढ़ाने के लिए पम्प स्टोरेज सोल्यूशन, उस पर सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग हमको बहुत सही करनी पड़ेगी, अर्बन फॉरेस्ट होना चाहिए, ग्रीनरी, प्लांटेशन, आई थिंक ये सारा एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा। बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज आज है ये रहेगा, ये हर साल हमें यही समस्या देखने को मिलेगी। तो इन 5-6 चीजों को हमको जनमानस के तौर पे, सरकार जनमानस पार्टिसिपेशन के तौर पे सबको ये करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीतू झा और मनीषा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत खुद से करें तो अच्छा है, क्योंकि हम अपनी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि इस तरह की सिचुएशन हमें देखनी ना पड़े। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।